हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू SBS इंग्लिश क्लासेस। वी आर हेयर टू स्टडी टेंसेज बेस्ड MCQs फॉर हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम्स 2024। 2024 के हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये टेंस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमें वर्ब की फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, इनको हमें टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार फिल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। डायरेक्शन, निर्देश, चूज, चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प टू आंसर, उत्तर देने के लिए दी फॉलोइंग, निम्नांकित वाक्यों का, निम्नांकित वाक्यों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। नंबर वन, सी हैज डॉट 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 टू द पार्टी। स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो ब्लैंक दे रखा है, मेन वर्ब की फॉर्म भरनी है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज दे रखी है, तो हैज के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भरेंगे। ए, गो, जाइए या जाना, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बी, वेंट, गया, ये गो की सेकंड फॉर्म है। सी, गॉन, जा चुका, ये गो की थर्ड फॉर्म है। डी, गोइंग, जा रहा, ये गो की ING फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको हम कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो हैज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो सही ऑप्शन इसका सी होगा। किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी मेन वर्ब है, इसकी जानकारी होनी हमें कंपलसरी है। नंबर टू, आई डॉट डॉट वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। मैं पूरी दोपहर, सारी दोपहर काम करता रहा था, एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, और अभी अभी असाइनमेंट को पूरा किया है, समाप्त किया है। तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब भरनी है, मेन वर्ब दे रखी है, तो ए, हैव बीन, बी, हैड बीन, सी, शैल बी, डी, एम। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, मैं सारी दोपहर काम करता रहा और मैंने अभी अभी इस काम को, इस असाइनमेंट को, इस मूल्यांकन के कार्य को पूरा किया। तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होगी। सही ऑप्शन होगा इसका बी। नंबर थ्री, रोहन डॉट 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 द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। रिव्यू कहते हैं समीक्षा, समालोचना। रोहन खलजग है, द मूवी, मूवी को बिफोर पहले ही देख चुका, ही रेड द रिव्यू, यानी कि आलोचना को, समालोचना को पढ़ने से पहले रोहन पहले ही इस मूवी को देख चुका।
या देख लिया था। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखने की है, ये बी फोर इसमें कंजक्शन है, ठीक है। यदि इस कंजक्शन के बाद ये जो हमारा टेंस आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। यदि प्रेजेंट में होता तो इसमें एस लगा होना चाहिए था, एस लगा हुआ नहीं है ही के साथ, तो इसलिए सेकंड फॉर्म है। और जब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और बिफोर के बाद के पार्ट में यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है तो बिफोर से पहले यानी कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती है। आइए देखते हैं, ए वॉचेज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होगा रोहन के साथ। बी हैव वॉच्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होगा। सी हैड वॉच्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होगा। डी वॉज वॉचिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग होगा। तो जब ये हमारा पोर्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है बिफोर के बाद का, तो बिफोर से पहले पार्ट में अर्थात रोहन के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, इसलिए सही इसका ऑप्शन सी होगा। नंबर फोर, बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक वी सेल द प्रोजेक्ट, हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुकेंगे। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी इसमें, ए हैज कंप्लीटेड, बी कंप्लीटिंग, सी कंप्लीटेड, डी हैव कंप्लीटेड। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है और यहाँ पर सेल दे रखा है, तो सेल के बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है। अगले महीने तक, बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक हम इस प्रोजेक्ट को पूर्ण कर चुके होंगे, तो इसलिए हैव कंप्लीटेड इसमें आएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नंबर फाइव, एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की खाली जगह इन द क्लास टुडे, आज कक्षा में उपस्थित हैं। ए आर प्रेजेंट, बी इज प्रेजेंट, सी हैव प्रेजेंट, डी हैड प्रेजेंट। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, जब एक वचन नाउन दो या दो से अधिक हो और उनसे पहले एवरी आ रहा हो, जैसे इसमें आ रहा है एवरी, ये बॉय एंड गर्ल ये सिंगुलर नंबर हैं जिनको एंड से जोड़ा गया है। यदि इसमें एक शब्द और होता इसी प्रकार से सिंगुलर और उससे पहले एवरी आ रहा होता, तब भी इनके साथ सिंगुलर की वर्ब प्रयोग की जाती, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी इज प्रेजेंट। नंबर सिक्स, ही डॉट 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 डेली फॉर ए ईयर नाउ, रोजाना एक वर्ष से, ही वह व्यायाम, ए एक्सरसाइजिंग व्यायाम करता है, बी वाज एक्सरसाइजिंग व्यायाम कर रहा था, सी हैज बीन एक्सरसाइजिंग व्यायाम करता रहा है, डी हैव बीन एक्सरसाइजिंग व्यायाम करता रहा है। ही सिंगुलर नंबर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टाइम नहीं आता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं आता, डी हैव बीन एक्सरसाइजिंग ये प्लुरल नंबर का है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि ही के साथ हैज बीन एक्सरसाइजिंग आएगा, हैव बीन एक्सरसाइजिंग नहीं आएगा, तो सही ऑप्शन इसका है सी। नंबर सेवन, आई डॉट 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 दिस बुक सिंस मॉर्निंग,
मैं इस पुस्तक को सुबह से पढ़ता रहा हूँ। ए हैड बीन रीडिंग, पढ़ता रहा था। बी हैज बीन रीडिंग, पढ़ता रहा है। सी हैव हैड रेड। डी शैल बी रीडिंग, पढ़ता रहूँगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वह ए होगा। I had been reading this book since morning. मैं इस पुस्तक को सुबह से पढ़ता रहा था या सुबह से पढ़ रहा था। इस प्रकार से इसका अर्थ आएगा और सही ऑप्शन होगा had been reading। ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट, प्रचलित दर के अनुसार, वर्तमान दर के अनुसार, टू डजन, दो दर्जन, खल जगह रुपीज 100, यानी दो दर्जन की कीमत 100 रुपये है। तो कहेगा ए कॉस्ट्स, बी कॉस्ट, सी कॉस्टिंग, डी कॉस्टेड। तो टू डजन इसमें सब्जेक्ट है, इसके अनुसार कॉस्ट बी ऑप्शन आएगा। सही ऑप्शन इसमें बी है, कॉस्ट, क्योंकि टू डजन बहुवचन में आता है, प्लूरल नंबर में आता है, तो इसलिए कॉस्ट आएगा। नंबर 9, The wise leader and politician assassinated, बुद्धिमान नेता और राजनीतिज्ञ का वध कर दिया गया। तो ध्यान दें, the wise leader and politician, यहाँ पर leader और politician से पहले केवल एक आर्टिकल आ रहा है, politician से पहले आर्टिकल नहीं है। तो इसका अर्थ होता है कि लीडर और पॉलिटिशियन दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो इसलिए इसमें सिंगुलर की वर्ब आएगी। अब देखते हैं कौन सी वर्ब आएगी इसमें, ए आर, बी हैज बीन, सी हैव बीन, डी हैव हैड बीन। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। हैव बीन प्लूरल की वर्ब है, ये भी नहीं आएगा, ये भी प्लूरल की वर्ब है हैव, तो इसमें सिंगुलर की वर्ब है हैज बीन, क्योंकि लीडर और पॉलिटिशियन एक ही व्यक्ति है, तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन बी होगा, हैज बीन आएगा इसमें। नंबर 10, नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स, खल जगह सोल्ड। Neither of the paintings, इन paintings में से, इन चित्रों में से कोई भी नहीं, खल जगह sold, बेचा गया। A have been, B were, C are, D was। Have been plural की verb है, verb be, were ये भी plural की verb है, C are ये भी plural की verb है, डी वर ये सिंगुलर की वर्ब है। स्टूडेंट्स, जब किसी भी नाउन से पहले, ये पेंटिंग्स बहुवचन में है, इससे पहले ऑफ आ रहा है और इसके बाद इससे पहले फिर नाइदर है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इस प्रकार से आता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अनुसार वर्ब सिंगुलर की आती है, भले ही यहाँ प्लूरल क्यों ना आ रहा हो। तो सही ऑप्शन इसका होगा डी, सिंगुलर की वर्ब आएगी, नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स वॉज सोल्ड। नंबर 11, सीता और हर ब्रदर्स टू बी ब्लेम्ड, सीता या उसके भाइयों को, टू बी ब्लेम्ड
दोषारोपित या आरोपित किया गया। ए इज सिंगुलर की वर्ब है, बी हैज ये भी सिंगुलर की वर्ब है, सी आर ये प्लुरल की वर्ब है, डी वाज ये सिंगुलर की वर्ब है। तो सीता और हर ब्रदर्स, ध्यान दें जब सेंटेंस के अंदर और जैसे ये आया हुआ है, इसी प्रकार से यहाँ बीच में नोर आ जाए या आइदर डॉट 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 और या नाइदर डॉट डॉट नोर आता है, तो इसमें जो वर्ब आती है जो बाद में सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसका नंबर क्या है उस पर आधारित होती है वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, तो इसमें हर ब्रदर्स प्लुरल नंबर है तो इसलिए इसमें आर आएगा, सही ऑप्शन सी है। नंबर 12, द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ, मुख्य अतिथि अपनी पत्नी के साथ, आगे हेल्पिंग और मेन वर्ब को भरना है, हैज लेफ्ट चले गए हैं, आर लीविंग चले जा रहे हैं या जा रहे हैं या प्रस्थान कर रहे हैं, सी हैव लेफ्ट जा चुके हैं छोड़ करके जा चुके हैं, डी लेफ्ट छोड़ दिया है। तो ध्यान दें यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो और उसके बाद विद अलोंग विद जैसे शब्दों के साथ यहाँ सिंगुलर आए या प्लुरल आए तो वर्ब आती है पहले सब्जेक्ट के अनुसार। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब आएगी, तो चीफ गेस्ट तो सिंगुलर है इसलिए इसमें हैज लेफ्ट आएगा, सही ऑप्शन है ए। नंबर 13, द न्यूज डॉट 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 नॉट अप डेटेड टाइमली, समाचार को समय से अद्यतन नहीं किया गया है या नवीनीकरण नहीं किया गया है समाचार का, तो इसमें कौन सी वर्ब आएगी हमें देखना है, ए वर बी हैव सी इज डी आर, ध्यान देंगे ये वर हैव और आर प्लुरल की वर्ब हैं, टेंस अलग अलग हैं लेकिन वर्ब तो तीनों प्लुरल की हैं और न्यूज हमारा सिंगुलर नंबर में होता है इसलिए सही ऑप्शन इसका सी होगा, न्यूज के साथ इज आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बैक इन माई नेटिव प्लेस, अपने जन्म स्थान पर वापस आने पर आए खाली जगह ए स्मार्टफोन, ए डिड नॉट हैव, बी डू नॉट हैव, सी डिड नॉट हैड, डी डू नॉट हैड, यानी कि अपने जन्म स्थान पर वापस आने पर मेरे पास एक स्मार्टफोन नहीं था, ये इसमें अर्थ आ रहा है, तो इस अर्थ को देखते हुए सही ऑप्शन इसमें डिड नॉट हैव आएगा, डू नॉट हैव भी नहीं आएगा, डिड नॉट के बाद हैड नहीं आता है, डू नॉट के बाद भी हैड नहीं आता है, तो सही ऑप्शन इसका ए है। नंबर
नंबर 15, यू एंड आई डॉट 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 द ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस मीन्स होता है उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां, तुम्हें और मुझे उत्तरदायित्वों को पूरा करना है। ए एम फुलफिल्ड, बी हैज बीन फुलफिल्ड, सी हैव फुलफिल्ड, डी हैज फुलफिल्ड। स्टूडेंट्स, यू एंड आई ये प्लूरल सब्जेक्ट हुए दो। वैसे तो यू के साथ ही प्लूरल की वर्ब आती है, यदि हम बी फॉर्म लेते हैं तो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेते हैं तो उसमें यू के साथ प्लूरल की वर्ब आती है, और आई के साथ जो यू के साथ आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वही आई के साथ भी आती है। प्लूरल हैं तो इसमें ए तो आएगा नहीं, हैज बिन फुलफिल्ड ये भी नहीं आएगा क्योंकि यू और आई प्लूरल है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी हैव फुलफिल्ड, तुमने और मैंने अपने कर्तव्यों को पूरा कर लिया है। सी हैज ये सिंगुलर की वर्ब है, ये भी नहीं आएगा। सिक्सटीन, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द फॉलोइंग सेंटेंस निम्नांकित वाक्य में प्रयोग किए गए, यूज्ड प्रयोग किए गए टेंस को पहचानिए। व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। When I reached the book store, जब मैं बुक स्टोर पर पहुंचा, किताबों की दुकान पर पहुंचा, तो all the copies had already been sold, तो सारी कॉपियां पहले ही बिक चुकी थी। इसमें टेंस कौन सा है ध्यान देंगे, when I reached ये past tense में है, All the copies had already been sold, ये past perfect tense में है। तो देखते हैं पहला कौन सा है, A past perfect tense, B past indefinite tense, C present perfect tense, D present indefinite tense। तो when ये time क्लॉज है, ये past indefinite tense में है और ये past perfect में है, तो इसमें past perfect tense होगा, ऑप्शन ए सही है। 17, चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुनिए द सेंटेंस उस वाक्य को विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस को हमें चुनना है। नंबर 1, दे शैल हैव रीच्ड बाय देन, तब तक वे पहुंच चुके होंगे। बी दे शैल बी अराइविंग बाय देन, वो तब तक पहुंच रहे होंगे। सी दे शैल अराइव बाय देन, वे तब तक पहुंचेंगे। डी दे शैल हैव बीन अराइविंग बाय देन, वो तब तक पहुंच रहे होंगे। तो ध्यान दें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है, किस सेंटेंस में है देखते हैं। Shall have प्लस थर्ड फॉर्म, shall have reached, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, सही ऑप्शन ए होगा। अब बी को देखते हैं, इसमें shall be के साथ ing फॉर्म आ रही है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। Shall arrive इसमें आ रहा है, तो ये हमारा फ्यूचर indefinite टेंस है। Shall have been arriving, shall have been arriving, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन ए सही है, इसमें शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। 18, चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस।
सेंटेंस की पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म हमें चुननी है। ये सेंटेंस दिया हुआ है, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। सारी शाम बच्चे पार्क में खेले। इस सेंटेंस को हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, उसे टिक करना है। और ये सेंटेंस दिया हुआ है हमारा पास्ट इनडेफिनिट टेंस में, ठीक है। प्लेड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट इनडेफिनिट टेंस में आती है। चार ऑप्शन है, ए द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग, बी द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग, द चिल्ड्रन हैड प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग, डी द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस में है। हैव बीन प्लेइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नहीं। यहाँ पर हैड प्लेड दे रखा है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। हैड बीन प्लेइंग ये हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, और पास्ट इनडेफिनिट टेंस के वाक्य को हमें बदलना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। इसको पहचानने के लिए हमें टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को याद करना होगा। यदि वो याद है तो हम इस टेंस को बारह टेंस में से किसी भी टेंस को पहचानने में हमें बहुत ही आसानी होगी। नंबर 19, ही विल नॉट पास द टेस्ट, वह टेस्ट को पास नहीं करेगा, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें बदलना है। ही विल नॉट पास द टेस्ट, ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, तो ही विल नॉट हैव पास द टेस्ट, वह टेस्ट को पास नहीं कर चुकेगा। He has passed the test, वह टेस्ट को पास कर चुका है। See, he will have passed the test, वह टेस्ट को पास कर चुकेगा। D, he had not passed the test, वह टेस्ट को पास नहीं कर चुका था। तो हमें ऊपर दिए हुए इस सेंटेंस को जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यहाँ आ रहा है विल नॉट हैव पास्ट, ठीक है, यहाँ आ रहा है हैज पास्ट, हैज पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, विल हैव पास्ड ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है लेकिन इसमें नॉट नहीं है, हैड नॉट पास्ड इसमें नॉट आ रहा है लेकिन ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो सही ऑप्शन इसका होगा ए। इसमें विल नॉट पास है तो यहाँ पर विल नॉट हैव पास्ड फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को सही ऑप्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो सही ऑप्शन इसका ए होगा। ये भी फ्यूचर परफेक्ट में है लेकिन इसमें नॉट नहीं है इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। नंबर 20, आई सा ए ग्रेट फिल्म, मैंने एक बहुत ही अच्छी फिल्म देखी, एक महान फिल्म देखी, महान मीन्स बहुत अच्छी। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस पास्ट इनडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है।
आई हैव सीन ए ग्रेट फिल्म, बी आई हैड सीन ए ग्रेट फिल्म, बी आई हैड बीन सीइंग ए ग्रेट फिल्म, डी आई शैल हैव सीन ए ग्रेट फिल्म। हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हैव सीन आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैड सीन आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ये तो होगा नहीं। शैल हैव सीन आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ये भी नहीं होगा। और अब आता है ये सी, हैड बीन के बाद आईएनजी फॉर्म जो आती है वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आती है, इसका सही ऑप्शन होगा सी। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के माध्यम से, यानी कि टेंसेज के स्ट्रक्चर के माध्यम से हम किसी भी सेंटेंस में टेंस को बताने और पहचानने में हमें बहुत बड़ी सहायता मिलती है। तो ये थी हमारी वीडियो टेंसेज पर आधारित, आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक आइकन को क्लिक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।